आप सबका स्वागत है सिंह ऑटो जोन के नए एपिसोड में। दोस्तों, इस चैनल पर हम अब तक फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी के ऊपर कई अपडेट शेयर कर चुका हूं। हम अभी तक फ्यूल सेल बेस्ड कार्स की पर बात कर चुके हैं, फ्यूल सेल ट्रक्स और इवन फ्यूल सेल बेस्ड प्लेन पर भी बात कर चुके हैं, अपडेट दे चुका है। लेकिन आज पीछे कई कमेंट आ रहे थे कि सर फ्यूल सेल बेस्ड जो ट्रेन है उस पर बात कीजिए, स्पेशली जर्मनी में जो चल रही है एल्स्टॉर्म कंपनी की, उसके बारे में काफ़ी कमेंट आए थे। तो बिल्कुल आज का अपडेट हम फ्यूल सेल ट्रेन की बात करेंगे। जर्मनी कंपनी एल्स्टॉर्म, उन्होंने बनाई है दुनिया की पहली फ्यूल सेल बेस्ड ट्रेन और इस ट्रेन का नाम रखा गया है कोराडिया आई लिंट। सबसे पहले इसको 2016 में इस ट्रेन को दिखाया गया था, उसके बाद 2018 सितंबर 2018 में जर्मनी में ही इसकी जो पैसेंजर सर्विस है इस ट्रेन की उसको शुरू कर दिया गया था। इसके अलावा एल्स्टॉर्म इस टाइम नीदरलैंड और यूके में भी जो इनके टेस्ट रन है वो कंप्लीट कर चुकी है और वहां भी बिल्कुल अपनी जो सर्विस है पैसेंजर सर्विस इन ट्रेन की वो शुरू करने वाली है। मैक्सिमम स्पीड इन ट्रेन की, कोराडिया आइलैंड की जो फ्यूल सेल बेस्ड ट्रेन है उसकी जो मैक्सिमम स्पीड है 140 किलोमीटर पर आवर रहती है और जो इसमें हाइड्रोजन का जो सिलेंडर रहता है, जो स्टोरेज सिलेंडर है, उसमें एक बार में फिल करने पर 800 किलोमीटर की रेंज इस ट्रेन की रहती है और 300 पैसेंजर को ये ट्रेन आराम से खींच लेती है। अभी तक एल्स्टॉर्म को टोटल जर्मनी, नीदरलैंड और यूके से अगर कंबाइंड की बात करें तो 40 इस तरह की जो फ्यूल सेल बेस्ड ट्रेन है उसका ऑर्डर मिल चुका है। अगर बात करें बैटरी जो इसमें इस्तेमाल हो रही है, तो हर एक ट्रेन में दो बैटरी सिस्टम सेटअप रहता है जिनकी टोटल कैपेसिटी 220 किलोवाट आर रहती है। अकेले जर्मनी में ही अभी तक स्टिल आज तक 4000 डीजल इंजन ट्रेन है जो ट्रैक पर है और अब जर्मनी चाहता है कि बिल्कुल इन सभी डीजल इंजनों को वो रिप्लेस करना चाहता है एल्स्टॉर्म की फ्यूल सेल ट्रेन के जरिए, क्योंकि जीरो अमिशन को पूरा सपोर्ट करता है सिस्टम है, जीरो पोल्यूशन, जीरो नॉइस, बिल्कुल क्लीन एनर्जी इसमें रहती है। सबसे बड़ी बात है कि जर्मनी में जो उनका प्लांट लगा है जहां पे हाइड्रोजन बनाई जाती है उसके लिए जो इलेक्ट्रिसिटी लगती है वो सारी की सारी इलेक्ट्रिसिटी वाइंड एनर्जी से बन रही है, तो बिल्कुल प्योर एक पूरा ये इंफ्रा प्योर एनर्जी को सपोर्ट करता है, जीरो अमिशन को सपोर्ट करता है। एक और सबसे बड़ी अच्छी पॉइंट मुझे लगी एल्स्टॉर्म की इस हाइड्रोजन बेस्ड ट्रेन की कि पूरे 30 साल के मेंटेनेंस की गारंटी यहां पर कंपनी दे रही है, कोई भी दिक्कत आएगी 30 साल तक वो कंपनी करके देगी उसकी मेंटेनेंस। अब आते हैं भारत की तरफ के भारत में इस टेक्नोलॉजी पर क्या हो रहा है। बिल्कुल इस पर काम हो रहा है, गवर्नमेंट बहुत जल्द इस पर पॉलिसीज पर भी काम करे, उससे जुड़ा कुछ ना कुछ अपडेट जरूर आएगा। हाल में कुछ सेफ्टी स्टैंडर्ड से जुड़े अपडेट भी आए थे। इंडियन रेलवे ने प्लान सेटअप किया है अपना कि वो 2021 एंड तक एक फ्यूल सेल बेस्ड ट्रेन को वो चलाना चाहती है। जो प्रपोज ट्रेन रहेगी इसमें रफली 4 पैसेंजर कोच लगाए जाएंगे, 85 किलोमीटर की स्पीड से इसको चलाने का प्लानिंग है और इन 4 में से एक कोच में जो हाइड्रोजन गैस सिलेंडर है वो सेटअप रहेगा, फ्यूल सेल रहेगा, उसमें सुपर कैपेसिटर्स लगे होंगे, जो इवन जो डीसी कन्वर्टर्स वगैरह सारे वो एक सिंगल कोच में रहेगा, बाकी 3 पैसेंजर के लिए रहेंगे। और जो फ्यूल सेल बेस्ड ट्रेन प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी रहेगी दैट इज पावर्ड बाय PEM यानी कि प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रान। उम्मीद है इंडियन रेलवे इस प्रोजेक्ट को टाइमली कंप्लीट करेगी, क्योंकि मैं अक्सर कह चुका हूं कि अब हमारे पास देर करने के लिए टाइम नहीं है, जो भी प्लानिंग कर रहे हैं उसको टाइम पर कंप्लीट करना बहुत बहुत जरूरी है, अदरवाइज नेक्स्ट जनरेशन हमें कभी भी माफ नहीं करेगी। तो ये था आज का अपडेट, आपका क्या कहना है इस अपडेट पर बिल्कुल कमेंट जरूर कीजिएगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही, धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए। जय हिंद।